में शरण है। मैं आपका साथी कुलदीप मेघवाल मेघवाल विद्यापीठ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा 2021 में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और ग्रुप डी की बात करेंगे। उसमें भाई ग्रुप डी में क्या हुआ है, जो फोर्थ क्लास जो कर्मचारी हैं उनका एक कॉमन पेपर हुआ, जैसे स्टेट है सीटेट है, सेम ऐसे एक पेपर हरियाणा गवर्नमेंट ने भाई बनाया है। कि बार भाई सरकार चाहती है कि आपको एक ही परीक्षा में बैठना पड़े, उसका बस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इस टेस्ट के माध्यम से आगे भविष्य में होने वाली जितनी भर्तियां हैं इसका स्कोर के आधार पर आपने नौकरी मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 और ग्रुप डी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी भाई जो एस सी ई डब्ल्यू एस और ओ बी सी के जो स्टूडेंट हैं उनको कितनी छूट मिलेगी, उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली बात करें हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी, इसमें सिर्फ टेंथ क्लास पास होना चाहिए, ओनली पास भाई, कोई भी कैंडिडेट जिसकी उम्र 18 से 42 के बीच में है और भाई जो रिजर्व कैटेगरी है छोड़ के उन भी 5 साल की छूट मिला है 47 साल तक भाई, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम तो होना चाहिए, ठीक है, वो ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है। आज हम बात करें हम इसकी एज आयु की है, आयु में बात करें भाई 18 से 42। आज हम बात ग्रुप जो डी है, जो ग्रुप डी का जो पेपर होगा उसमें जो कैंडिडेट है अभ्यर्थी है उसकी आयु वही 18 से 42 साल की होनी चाहिए। और हम बात कर रहे हैं ई डब्ल्यू एस एस सी एन ओ बी सी, इन जो संविधान के अकॉर्डिंग छूट का दायरा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग छूट मिलती रहेगी भाई। हम बात करेंगे इसकी जो ग्रुप डी का जो सर्टिफिकेट है, ग्रुप डी का जो पेपर क्लियर कर जाएं, जो बच्चे क्लियर करते हैं जो पेपर क्लियर करें वो उसकी वैलिडिटी कितने साल की होगी, वैलिडिटी भाई इसकी वैधता है 3 साल। जो पेपर ग्रुप डी का जो सेट के ऊपर जो क्वालिफाई करेंगे जो बच्चे उनका जो सर्टिफिकेट की वैल्यू 3 साल, अगर ना है इसकी जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका आधार पर अपना भविष्य में हमारे नौकरी मिलेंगी। अब बात करते हैं हम फीस स्ट्रक्चर क्या है इसकी, जो फीस है वो है जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी 500 रुपये, और अब बात करते हैं एससी वो भी ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप 250 रुपये भाई फीस स्ट्रक्चर आपने पता चल गया। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, अब बात करें सिलेबस 70+30 30 होगी हरियाणा जीके, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का मेले, हरियाणा की नदियाँ, हरियाणा के जितने धार्मिक स्थल हैं ये सारे इसके अंदर होंगे। और बात करें 70 में हो गया मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और भाई जीएस ऑफ इंडिया और करंट अफेयर भाई, करंट अफेयर हम बात करें भाई जो 70 नंबर का जो क्राइटेरिया है वो करंट अफेयर है भाई, हिंदी मैथ, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग जीएस कंप्यूटर और कंप्यूटर भाई कंप्यूटर भाई ये 70 नंबर का हुआ भाग हरियाणा हो 30 नंबर का। तो हम भाई हमारा जो मेन उद्देश्य है जो मैं बड़ विद्यापीठ का आप भी चाहते हैं कि जो हरियाणा है उसको 30 नंबर का है, इसको जो 30 मार्क का है इसका अपने पास जो चैनल है इसमें आपको वीडियो मिलती रहेगी, हरियाणा की आप कोई भी वीडियो देख सको वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध होगी। और अब बात करते हैं भाई ये सब ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है। अच्छा अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
यह परीक्षा विद्यार्थी को एक बार देनी होगी। सरकार उसके स्कोर कार्ड के आधार पर, उसके अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बना दी जाएगी, और मेरिट के आधार पर भविष्य में जो भर्तियाँ निकलेंगी ना, आपको मैट्रिक के साथ ग्रुप डी का क्लियर का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो लगाना पड़ा। इस प्रकार आपकी भर्ती संपन्न हो जाएगी और आपका ज्वाइनिंग के पहुँच जाओगे। भाई इसी के साथ आपके साथी मैं कुलदीप मेघवाल, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो अपने साथियों में। बहुत बहुत धन्यवाद।